नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज नगर परिषद पलवल के सफाई कर्मचारी फिर दोबारा से आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें सही समय पर नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को और तेज़ कर दिया जाएगा। देखिए विस्तार से योगेश शर्मा के साथ खास रिपोर्ट। ये मांगे हैं, एक तो हमारे जो अभी 25 कर्मचारी ठेके पर्दा में लगाए हुए हैं, उनको तीन तीन चार चार महीने की तनख्वाह होगी, वो ठेकेदार को मना कर देता है। अभी यहाँ एक्शन भी साफ नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उनकी तीन चार महीने की जो सैलरी होगी उनके एक एक दो दो महीने करके उनकी सैलरी निकाल दो, उनकी सैलरी। और हमारी मांग, मेन मांग ये है कि कमेटी की काफ़ी जगह पड़ी हुई है, उसमें से हमें 100-100 गज के प्लाट जाए दिए जाएँ और हमारे वेतन में से किस्त के द्वारा किस्त काटी जाए, जो हमारे वेतन में से किस्त काटी जाए, हमारी ये मांग है। और हमारे जो 26 कर्मचारी थे उनको पक्का किया जाए सर, उनको 20-25 साल हो गए हैं, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है। उनकी विचारों की सुनवाई करे ये सरकार। और हमारे जो 183 कर्मचारी हैं इनकी भी मांगे हैं सर। और भाई हमारी, क्योंकि 20-25 साल से हम सर यही कहते आए, जो भी सरकार आई है, कई सरकारों ने हमारी मांगे करी भी थी कुछ, लेकिन हमारी जो पूरी मांगे नहीं होगी। आश्वासन तो दे देते हैं, वादा कर देते हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं करते। नहीं भर्ती की जाए। और यहाँ आबादी जिला बन चुका है ये पलवल, इसमें आबादी कम से कम 1,000-1,500 आदमी की, कर्मचारियों की होनी चाहिए। और यहाँ 200-300 कर्मचारी लगे हुए, उन पर सर काम नहीं संभलता है। हमने सरकार को दे रखी है 1,000 आदमी की, 1,000 कर्मचारियों की भर्ती करी जाए मांग, तो ये मांगे की जाए, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। बस ये सरकार से हमारी ये वही जी गुहार। ऐसा कर्मचारी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो कुछ से समझौते सरकार के साथ हुए थे, उनकी जो पत्र जारी नहीं किए, 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को समझौता हुआ था सरकार के साथ। हमारे यूनियन के ऊपर पदाधिकारी बैठे हैं जो, और उसके बाद में हमारे यहाँ जो सैलरी की बात है, परमानेंट और रोल के कर्मचारी इनकी सैलरी बराबर मिल रही है। जो सैलरी की बात आती है वो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, डोर टू डोर के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 2 महीने की बकाया है, 1 महीने की उनको दी थी, 3 महीने की बकाया है पड़ी थी उनकी, 2 महीने की बकाया है फिलहाल। ये सैलरी दी जाए और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। 100-100 गज के जो प्लॉटों की पहले मांग चली आई थी, वो बीच में जो ना सरकार ने चिट्ठी भी जारी की थी, उसके बाद में नगर पालिका कर्मचारियों के लिए जो कह दिया था कि भाई अब यहाँ कोई जगह नहीं है, जगह होने पर, खाली जगह होने पर आपको जो है प्लॉट दे दिए जाएंगे, आज तक वो प्लॉट भी किसी कर्मचारी को नहीं मिले हैं। जगह बहुत कमेटी को